ये झूठ बोल रहा है। आपने कब गए थे, आपका क्लाइंट कब गया था? मेरे को 3 तारीख को रहता है 3 तारीख को इन्होंने क्या कहा? कहे कि चूंकि हाई कोर्ट से डायरेक्ट आएगा वकील का दिया हुआ, हम नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट से आएगा तब हम मानेंगे। आई एम अगेंस्ट यू बिकॉज यू आर ए क्रिमिनल। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार यादव। कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक की नॉन मैट्रिक? मैट्रिक। पास कर गए हैं? पढ़कर पास किए थे। क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? अगर पुलिस के सामने सीन क्रिएट करता है तो 353 किसके लिए है? क्या करते हैं आप? करते हैं हुजूर, किसान हैं हम, ये हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इनका क्लेम है हुजूर, प्लेयर देखिएगा तो ये आए हैं फॉर क्वेशनिंग द ऑर्डर ऑफ डीसीएलआर डेटेड 99। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डीसीएलआर? लास्ट पेज देखा जाए हुजूर उसका। पेज नंबर 96 मैडम। 96 इनका प्रेयर एंड लास्ट फाइंडिंग ऑफ डीसीएलआर देख लिया जाए। कटिल स्वत्व संबंधी विवाद उभर कर सामने आता है, के आधार पर दावा किया जा रहा है विपक्षी मेरे द्वारा। अभी अब आप चुप रहिएगा, जरा हम अपना पिछला ऑर्डर देखेंगे। और ये क्या है, सब इंस्पेक्टर हैं क्या है? एएसआई हैं सब। क्या नाम है आपका? अवलेश कुमार यादव। कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक की नॉन मैट्रिक? मैट्रिक। पास कर गए हैं? पढ़कर पास किए थे। अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं? कम जानते। पढ़कर बताइए, पढ़ाइए, पढ़िए। मिस्टर खान, हाउ विल ही बी एबल टू ऑनर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इफ ही कैनॉट कॉम्प्रीहेंड इट, ही कैनॉट रीड इट? ही शुड बी गिवन ए ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द ऑर्डर बाय द पिटिशनर और बाय द स्टेट? नहीं, ही कैन ऑलवेज If there is any... आपको जब ये ऑर्डर देने गए तो आपने कहा कि जब हाई कोर्ट से ऑर्डर डायरेक्ट हमको आएगा तब हम इस पर संज्ञान लेंगे इसका जी। क्या कहा आपने? ये झूठ बोल रहा है। आपने कहा कब मिलने गए थे आपसे ये ऑर्डर लेकर इनके क्लाइंट? 13-14। क्या कब गए थे, आपका क्लाइंट कब गया था? 3 तारीख को। 3 तारीख को इन्होंने क्या कहा? कहे कि चूंकि हाई कोर्ट से डायरेक्ट आएगा वकील का दिया हुआ, हम नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट से आएगा तब हम मानेंगे। उसके बाद जो है हम तो स्पीड पोस्ट से भी भेजे, 14 तारीख को जब नोटिस देने हमको गए तो हमने उस समय भी कहा, नोटिस हमको दिए हैं लिखित में हुजूर के सामने है कि दोनों पक्ष को रोका जा रहा है, तो हमने कहा कि नोटिस में ऑर्डर में ऐसा नहीं है, ऑर्डर देख लीजिए। तो कहे कि वैसे कुछ नहीं होता है, हमको जो है हम बता दिए आपको। फिर कल गए हैं, कल हुजूर के यहाँ यहाँ कर रहे थे तो कल मॉडिफाइड एक नोटिफिकेशन लेकर नोटिस करके फिर गए हैं और मेरे भाई से, पिटिशनर के भाई से सिग्नेचर करा लिए हैं, बिना डेट का डेट नहीं देने दिए। कहे कि इसको ले लीजिए 18 के डेट में, कि मतलब हम जो है उसको गलती से कह दिए थे, वो केवल एक पक्ष को रोकना। मिस्टर खान, दुल्हन बाजार में यही हो रहा, हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है टू रेस्ट्रेन मिस्टर एक्स, द पुलिस ऑफिसर रेस्ट्रेन द पिटिशनर एज वेल एज मिस्टर एक्स, एंड इट हैज हैपेंड इन दुल्हन बाजार। माय लॉर्ड, कैन आई हैव इनिशिएट, आई विल इनिशिएट अ कंटेंप्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट दिस फेलो, ही विल गो टू जेल। हाउ मेनी केसेस? कितने केसेस हैं उस पर? अरे कितना मेरे काम का नहीं है सर, दूसरा नहीं मार। तो क्रिमिनल कैसे हो गया? नहीं नहीं है उस पे, हाँ, उस पे केसेस। आप पर कितना केस है? 6-9 में हुजूर, जो इन पर नहीं नहीं मेरे ऊपर एक, हाँ, 6 जो रेस्पोंडेंट है प्राइवेट रेस्पोंडेंट उनके ऊपर इमीडिएट एक केस हुआ है इसके पहले। किस सेक्शन का? 302 का है हुजूर। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार, नीतीश शर्मा जो है। इनको मेन असलेंट भी नहीं है, इनको फंसाया गया था उसमें, इनको बेल हो गया था बहुत जल्दी। नहीं, हम बाकी लोगों के खिलाफ कुछ केस हम बता दे रहे हैं। उसके बाद वी कॉल्ड हिज वाइफ, सिंस ही वाज नॉट कमिंग वी कॉल्ड हिज वाइफ एंड द वाइफ हैज पुट इन हर सिग्नेचर। वी हैव एब्सोल्युटली इन सिंपल एंड स्ट्रिक्टेस्ट टर्म कम्युनिकेटेड टू हर दैट यू, आई मीन देयर वाज अ मिस्टेक ऑन आवर पार्ट दैट वी इशूड सच काइंड ऑफ ऑर्डर्स, वी हैव रेक्टिफाइड इट, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर नियर दैट पीस ऑफ लैंड। And my lords, as far as, because earlier also we had in SD entry was done by us, because this gentleman Mr. Nithi, because there was a dispute. So when the police went to that place of dispute, the occurrence, the field,
This Nitesh Kumar, the respondent, he created a hell lot of scene out there, abused the Mr. So, I mean, ऐसा नहीं है कि भी क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं अगर पुलिस के सामने सीन क्रिएट करता है तो 353 किसके लिए है आईपीसी. अब आप चुप रहिएगा पांडे जी, अभी हम सरकारी वकील से बात कर रहे हैं. ये 353 कब के लिए रखते हैं? जुलूस का जो वायलेशन करता है उसी के लिए. 353 का यूज कब करेंगे आईपीसी का? जब आप पर कोई, आप किसी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में गए और नीतीश शर्मा ने आप के साथ बदतमीजी किया या कुछ किया, तो आप लोगों ने उस पर कौन सा मुकदमा दर्ज किया? किया कोई काम? सनहा दर्ज किए. केस दर्ज करना मना है, सनहा से क्या होता है? क्रिमिनल है तो उसको अरेस्ट करके अंदर कीजिए. 302 में बेल हो गया तो वो क्राइम करते रहेगा. आगे से कभी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं समझ में आए तो अपने वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए, या अपने वकील साहब से फोन पर बात कीजिए, या आप दुल्हिन बाजार में हैं तो नजदीक हैं. क्या करना है? इसमें तो बिकॉज द ऑर्डर जो था उसका हम लोगों ने कंप्लायंस कर दिया. टिल द मैटर इज डिसाइडेड बाय माय लॉर्ड्स एंड अ फाइनल ऑर्डर इज पास. क्या डिस्प्यूट है? बैठिए. डिस्प्यूट व्हाट इज द डिस्प्यूट? हमारा रयती लैंड हमारे एंसेस्टर के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जिनके द्वारा उनको ही बाद में अभी 2021 में कहते हैं कि वो मेरे ही परिवार से रिलेटेड थे, गलत वंशावली बना करके, जबकि उनका कोई नहीं था. यू आर द परचेजर. परचेजर. You are the purchaser. Purchase when? 1921. और आपका जन्म नीतीश शर्मा जी कब हुआ? इनका तो ये हुजूर है 45 साल उम्र है. कब जन्म हुआ? ये इनके एंसेस्टर का ही. अरे एंसेस्टर को छोड़िए, आपका जन्म कब हुआ हम पूछ रहे हैं. 43 साल का इनका हो रहा है. कब जन्म हुआ? ये जन्म तो वही 80-81 का होगा. आपका 80-81 का होगा. एविडेंस एक्ट पढ़ाइए. सेल डीड जो है, सेल डीड प्रिवेल करेगा, और अगर उनको दिक्कत है तो टाइटल सूट में जाएं. हाँ वही हम कर रहे हैं. आई हैव फाइल काउंटर एफिडेविट. लिखते हैं, रुकिए. डिटेल्स काउंटर. हाँ डिटेल काउंटर. आप लोग तमाशा करते हैं. जमीन महंगा हो गया तो क्रिमिनल सब आगे बढ़कर पुराना क्लेम कर रहे हैं कि सेल डीड गलत है. इनका एक चीज हम दिखाना चाहें. अब हम कुछ नहीं देखेंगे. आप बैठिए पांडे जी. आप समझ गए कि आप क्या करने जा रहे हैं? ये जो है क्रिमिनल साहब, ये अगर बदमाशी करते हैं तो इनका बेल कैंसिलेशन फाइल कीजिए, और ये बदमाशी करते हैं तो इन पर नया मुकदमा दर्ज कीजिए. बेहिचक तुरंत करिए. आई एम अगेंस्ट यू बिकॉज यू आर ए क्रिमिनल. यू आर एन अक्यूज्ड. Four, my lord, out of four respondent, one is 75 years old, second is 60 years old, third is 50 years old. का कोई रोल नहीं है, सब यही नीतीश शर्मा है. No, my lord, this is my ancestral. अरे भाई, my ancestral, आपके ancestral ने बेच दिया और आप पैदा हो गए. गजाधर सिंह जो कहते हैं कि गजाधर सिंह कौन थे, आप यही पता करते रहे. वो नहीं, unmarried date की. वो इन अपील. ये सब पटना डिस्ट्रिक्ट में यही हो रहा है. जमीन महंगा हो गया तो जो पैदा हुआ जमीन बिकने के बाद वो अपना क्राइम कर रहा है. 1921 में खरीदते हैं कहते हैं, 1996-97 का इनके पास रेंट रिसिप्ट है. इतने बीच में इनका रेंट रिसिप्ट कहाँ गया? मेरे पास कंटिन्यूअस रेंट रिसिप्ट. आप क्रिमिनल केस फाइल कर दीजिए. If any suit or injunction is petition is filed by the respondents, the court below will proceed in the matter without being influenced by any observation in this case, including any observation about the possession of the petitioner. Aur kuch? Itna kyon tension mein aa gaya? Apna to kabza ho nahi raha, dusre ka bachane chale hain.